राजकेंद्र कॉलेज से निकाल से गाइड टीचर मेरे स्टूडेंट शिवा भारद्वाज ने एक्सीडेंट प्रिवेंशन पे मॉडल तैयार किया जिसका प्रेजेंटेशन अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, मैं शिवा भारद्वाज कक्षा 8 का छात्र राजकेंद्र कॉलेज से निकाल से जनपद कोड़े गढ़वाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान गणित एवं पर्यावरण महोत्सव 2019 के अंतर्गत मुख्य विषय सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उप विषय भावी परिवहन एवं संचार पर मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे इस मॉडल का नाम स्पीड ब्रेकर पावर जनरेशन विद एक्सीडेंट प्रिवेंशन है। हम जानते हैं कि हमारे पहाड़ों पर ज़्यादातर हेयरपिन मोड़े हैं, इन पर रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। हेयरपिन मोड़ों पर गाड़ियों को दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां नहीं दिखती जिस पर दुर्घटनाएं होती है। तो उस हेयरपिन मोड़ों पर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जिससे कि हेयरपिन मोड़ों पर दुर्घटना होने से बचा जा सके। जैसी वो उस मॉडल का नाम है स्पीड ब्रेकर पावर जनरेशन विद एक्सीडेंट प्रिवेंशन ये इसमें हमने IR सेंसर का प्रयोग किया है। IR सेंसर को हमने सर्किट डायग्राम ऑफ IR सेंसर को जोड़कर बना रखा है। जैसे इस IR सेंसर के सामने से कोई भी गाड़ी जाती है तो IR LED उस पर प्रकाश फेंकती है, कार उस प्रकाश का परावर्त करती है, उसे फोटोडायोड एक्सेप्ट करता है और इधर रेड लाइट जल जाती है जो बजर के साथ साउंड करती है और जो गाड़ी इधर से आएगी वह अलर्ट हो जाएगी और यह गाड़ी बिना दुर्घटना हुए निकल सकती है। इधर से भी वैसा ही है, IR LED कार पर प्रकाश फेंकेगी, कार प्रकाश का परावर्त करेगी, उसे फोटोडायोड एक्सेप्ट करेगा और इधर रेड लाइट जल जाएगी जो बजर के साथ साउंड करेगी और जो गाड़ी है इधर से आएगी वो अलर्ट हो जाएगी और यह गाड़ी बिना दुर्घटना हुए निकल सकती है। तो इस प्रकार हम पहाड़ों पर होने वाले एक्सीडेंटों से बचाव कर सकते हैं। यह है स्पीड ब्रेकर। जैसे ही स्पीड ब्रेकर आते हैं तो ड्राइवर जोर से ब्रेक मारते हैं जिसमें घर्षण होता है और यांत्रिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो मैंने सोचा कि ना उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए। तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारेंगे ये रॉड घूमेगी और ये डायनामो उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर हमारी स्ट्रीट लाइटें जला देगा। जब गाड़ी इधर से इधर के लिए आएगी तो हमारी इधर वाली स्ट्रीट लाइटें जलेगी और जब गाड़ी इधर के लिए जाएगी तो हमारी ये स्ट्रीट लाइटें जलेगी। ये डायनामो यह ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। जब किसी कुंडली संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे कि हमारी बिजली का उत्पादन होता है और हमारी ये स्ट्रीट लाइटें जलती है। यह डायनामो दिन भर इस बैटरी को चार्ज करेगा और रात होने पर यह बैटरी ऑटोमेटिक ये स्ट्रीट लाइटें जला देगी। यह स्ट्रीट लाइटें LDR की वजह से जलती है। LDR लाइट डिपेंड रजिस्टर, अगर इस पर धूप पड़े तो लाइट की सप्लाई रोक देता है और अंधेरा पड़ते ही यह लाइट की सप्लाई ऑन कर देता है। तो इस प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। अब तक तो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे थे, हम शहरी क्षेत्र की ओर चलते हैं। हम शहरी क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाओं की खबर सुनते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं ज़्यादातर रेलवे क्रॉसिंग या सड़कों पर होती है क्योंकि ज़्यादातर रेलवे क्रॉसिंग सड़कों से होकर जाती है। जब ट्रेन आती है तो फाटक बंद कर दिया जाता है और ट्रेन के थोड़ी दूर जाने पर फाटक खोल दिया जाता है। अगर मानो वहाँ पर फाटक बंद खुला करने वाला व्यक्ति नहीं है और ट्रेन के आने का समय हो गया है तो उस समय दुर्घटना होने की बहुत सी संभावनाएँ रहती है। तो उसी को देखते हैं मैंने ये मॉडल बनाया है कि जैसी ट्रेन आएगी फाटक अपने आप बंद हो जाएगा और ट्रेन के थोड़ी दूर जाने पर फाटक अपने आप खुल जाएगा। जैसे कि आप मेरे मॉडल में देख रहे हो, जैसे ट्रेन आ रही है फाटक बंद हो जा रहा है और उसके साथ सायरन भी बज रहा है जो गाड़ियों को अलर्ट भी करेगा और जिससे कि सड़क रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएँ नहीं होगी। इस रेलवे क्रॉसिंग का सर्किट डायग्राम ये है जिसे देखकर मैंने ये पूरे रेलवे क्रॉसिंग के सिस्टम जोड़े हैं। तो इस सारे रेलवे क्रॉसिंग का काम है इसके घर के अंदर Arduino UNO है जो इसका काम कर रहा है। जैसे इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में दो होल्स हैं, एक ट्रांसमीटर एक IR रिसीवर। जैसे ही ट्रांसमीटर के सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु आ रही है तो वह उस पर अपना अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंक रही है। वह वस्तु अल्ट्रासोनिक वेव्स का परावर्तन कर रही है, उसे अल्ट्रासोनिक रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है और इधर हमारा फाटक बंद हो जा रहा है और हमारा सायरन भी बज रहा है। तो इस प्रकार
हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। हम रोजाना देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रात को स्ट्रीट लाइटें जलाई रहती है और जो दिन भर भी खुली रहती है। तो मैंने ऐसा बना रखा है कि जैसी रात होगी ऑटोमेटिक ही ये LDR की वजह से ये लाइट्स जल जाएगी और दिन इस पर प्रकाश पड़ते ही यह लाइट्स बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार हम शहरी क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना और रात के समय में स्ट्रीट लाइटों की भी सुविधा कर सकते हैं। इसमें संचार की सुविधा और सोलर पैनल की भी सुविधा है। हम देखते हैं कि हमने इसमें सोलर पैनल लगाया है जो कि सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करेगा और वह बैटरी जो LDR और इनों को ऊर्जा दे रही है उसको चार्ज करेगी और रात होने पर यह बैटरी ये स्ट्रीट लाइटें भी जलाएगी। हम देखते हैं कि शहरों में बहुत ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं जिन पर लाइट्स जली रहती है। मैंने ऐसे करा है कि जब कोई एरोप्लेन सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो उस समय दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है क्योंकि वह टावर से टकरा सकता है। तो मैंने यह बना रखा है कि टावर पर एक अलर्ट लाइट लगाई रहेगी और जो एरोप्लेन का पायलट होगा उसे समझ आ जाएगा कि नीचे कोई चीज़ है और वह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो इस प्रकार हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।